फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग कीबोर्ड साउंड को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर, और सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिस्टम सैमसंग कीबोर्ड साउंड, तो हम यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे राइट साइड से। और मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे तो उस पर एक साउंड आएगी, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं सैमसंग कीबोर्ड साउंड। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।